Hello guys, welcome to the channel. In this video I'm going to share current affairs of May month. So guys, इस सीरीज में 300 क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे, बेस्ट 300 करंट अफेयर्स ऑफ मे मंथ, एंड दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में इसे बनाया गया, जैसे आपके लिए डेली क्वेश्चंस फॉर यू रहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए, सो डैट कि आप करंट अफेयर्स तो करें साथ में आप रिवीजन भी आपका इस फॉर्मेट में कर पाएं. सो इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस भी रहेंगे, इनके आंसर्स भी आपको आने वाले स्लाइड्स में मिलेंगे. सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपने करने बट इस सीरीज में, इस पीडीएफ में आपको लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इन द फॉर्म ऑफ दिस वे आपको मिलते रहेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन नेवी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑपरेशन फॉर द शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया. यू नो ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, डिफरेंट कंट्रीज हमारी मदद कर रही थी, सो इंडियन नेवी ने एक लाइक ऑपरेशन स्टार्ट किया था सो डैट कि हम उन ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स को अपनी कंट्री में लाएँ. सो आपको ये बताना है कि उस ऑपरेशन का क्या नाम था. उस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु सेकंड. आपको ज़रूर याद होगा जब फर्स्ट कोरोना लाइक कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन लगा था, जो हमारे जो इंडिया के पीपल बाहर कंट्रीज़ में फंस गए थे लाइक मालदीव्स एंड अदर कंट्रीज, तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया में एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था इंडियन नेवी द्वारा. उस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु फर्स्ट, ओके, एंड दिस इज समुद्र सेतु सेकंड. इसमें हम ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स डिफरेंट कंट्रीज से अपने इंडिया में ला रहे हैं सो डेट कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके. तो समुद्र सेतु सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं, एंड जो टू शिप्स यूज हुई, INS कोलकाता, INS तलवार, ओके, एंड उसके बाद INS इरावत सिंगापुर गई, एंड डिफरेंट इस तरीके से INS हमने, जो हमारी इंडियन नेवल शिप्स हैं, हमने उनको यूज़ किया टू इम्पोर्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स. आगे बढ़ते हैं, इंडियन बैंक साइंड MOU विद BSNL टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज टू इंडियन बैंक एट कम्पिटेटिव मार्केट रेट्स. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज़ द CEO ऑफ इंडियन बैंक. तो इंडियन बैंक के जो CEO वो हैं पद्मा चंद्रोजू एंड चंद्रोरू, एंड उसके बाद आपको अगर BSNL का पूछ लिया जाए तो BSNL के हैं पी के बरवार, एंड LIC का पूछ लिया जाए तो MR कुमार, एंड मनोज सिन्हा हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर. एंड गाइस देखो, अबाउट PDF कैसे मिलेगा आपको, आपके लिए देखो इस सीरीज़ में तो चलो अभी फर्स्ट पार्ट है तो इसमें मैं 60 प्लस क्वेश्चन शेयर करूंगा, बट PDF आपके लिए कंपाइल कर दिया गया जिसमें मे मंथ के सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप इस PDF का बेनिफिट उठा सकते हो. सारे PDF, सारे करंट अफेयर्स उस PDF में कंपाइल कर दिए गए, तो डू चेक एंड बेनिफिट उठाइए उसका. विच इंडियन स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट ऑक्सीजन नर्सेज टू कर्व वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स. तो ऑक्सीजन वेस्ट ना हो ऑक्सीजन नर्सेज अपॉइंट किए हैं महाराष्ट्र द्वारा, ओके, महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजेश टोपे. जॉन कॉनर्ड्स हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज ए रिनोवर्ड स्विमर फ्रॉम विच कंट्री. ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस, LIC एमर्ज एज द कौन से नंबर का मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड बन चुका है ग्लोबली. LIC आपने बताया है. सो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए, नंबर वन पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी चाइना का है जो मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड बना, एंड अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमारा LIC 10th नंबर पे रहा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा. सोली जहांगीर सुबारजी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फॉर्मर, ये कौन थे ये आपने बताना है. ओके, तो ये थे जी हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, ओके, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा. कमेंट डाउन हु इज प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ओके, सेवंथ क्वेश्चन है, विच बैंक हैज स्टार्टेड द डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक टू टारगेट 2 करोड़ रिटेल मर्चेंट्स इन इंडिया. तो कौन से बैंक द्वारा मर्चेंट स्टैक स्टार्ट किया गया ये आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके, याद रखेंगे, संदीप बख्शी इज द MD & CEO ऑफ दिस बैंक. मती बनेना विच हैज बीन सॉर्ट फॉर GI टैग, तो इसे एप्लीकेशन दिया गया, मे बी इसे GI टैग मिल जाए. सो आपको ये बताना है कि इज कल्टिवेटेड इन विच इंडियन स्टेट. इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोकोडाइल फिंगर बनेना. सो ये मिलता है आपको तमिलनाडु में. नेक्स्ट वन इज,
According to the Government of National Capital Territory of Delhi, Amendment Act 2021, which came into force on 27 April, the Government of Delhi means, so the Government of Delhi means the Lieutenant Governor, means this amendment already powers zyada hamari as compared to CM, Governor ke paas hi rehti hai, and according to this amendment, the Government of Delhi means the Lieutenant Governor. And kone Lieutenant Governor? Anil Bajaj. Who is the present chairman of National Commission for Women? So National Commission of Women ki chairman kone hai? ये हैं जी रेखा शर्मा. बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए एक हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया था, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर. सो दिस इज़ द नंबर एंड 9354954224. ओके, दिस हेल्पलाइन नंबर एंड कोई भी प्रॉब्लम्स हो लाइक वुमेंस कैन कंटेक्ट हेयर. द इंडियन विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ मेमोरियल लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर यूनाइटेड स्टेट. तो यूनाइटेड सेंटर यूएस का एक कैंसर सेंटर है, वहाँ की एक बोर्ड मेंबर अपॉइंट की गई, बोर्ड ट्रस्टी अपॉइंट की गई. तो कौन है हमारी इंडियन ऐसी? किरण मजुमदार शाह. ओके, रोहित साधना हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू, आप लोग तो इन्हें जानते हो, आज तक के एंकर जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म से इनका रिलेशन था, यही आपसे पूछ रहे हैं. ओके, जैसे वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे ना, उनके आंसर्स इस तरीके से. SIDBI launches Shwas and Arog loan scheme for MSME. Who is the present CMD of SIDBI? Abhi recently bane Small Industries Development Bank of India ke new MD and CEO bane hain, S. Raman. Okay, on which day World Tuna Day is observed? To World Tuna Day kaun si date ko observe kiya jata hai, ye apne batana hai. 2nd May ko. Which state has approved Harihar policy for the upliftment of abandoned and surrendered children? So ये start किया गया था हरिहर policy हरियाणा द्वारा. Okay, Albert Pehmini Padeke has become the interim prime minister of which country? Correct answer for this question is Chad. Two dung eating and now देखो appointment भी हो चुका है प्राइम मिनिस्टर का. देखो मैं सिस्टमेटिकली शेयर कर रहा हूँ, तो आने वाले स्लाइड्स में आप जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं वो भी आपको मिल जाएगा, डोंट नीड टू वरी. टू डंग ईटिंग बैटल स्पाइसेस स्पीशीज बोल्बोसिरस बोप डिवेंस एंड त्रिम्बैंकेंसे वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. विच स्टेट हैज लॉन्च द कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम? सो कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम स्टार्ट किया था हरियाणा ने. ओके, ऑन विच डे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? इंफॉर्मेशन एज पब्लिक इज गुड, 3rd May. ओके, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड्स? यूके इज द करेक्ट आंसर. कि वर्ल्ड लॉफ्टर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? बेसिकली इसे ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट संडे ऑफ मई एवरी ईयर, एंड इस बार फर्स्ट संडे आया 2nd May को. ओके, पंडित देबू चौधरी इनका निधन हो गया जी. ये भी सितार के काफ़ी मारे जाने माने प्रसिद्ध पर्सनैलिटी थे, कोविड 19 की वजह से इनका निधन हो गया. एंड घराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक से ये बिलोंग करते थे, पद्म भूषण एंड पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया, तो इनका निधन हो गया, याद रखेंगे. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो? बजाज ऑटो के न्यू चेयरमैन कौन बने? एंड बजाज ऑटो इज द फर्स्ट वर्ल्ड टू व्हीलर मार्केट मेकर टू क्रॉस 1 trillion मार्केट कैप, तो संजीव कुमार. इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीन एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच इंडियन स्टेट? सिक्किम इज द करेक्ट आंसर. बिक्रमजीत कन्वर पाल पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू आर्मी के ऑफिसर भी थे, देन उसके बाद बॉलीवुड में आए. सो ये थे बॉलीवुड, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस बॉलीवुड इज द करेक्ट आंसर. द यूनियन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एन एडिशनल अमाउंट ऑफ हाउ मच रुपीज टू द स्टेट्स एज एन इंटरेस्ट फ्री 50-year loan फॉर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट्स?
So this is 15,000 crore is the correct answer. Who has been appointed as a new interim charge d'affaires at US Embassy in New Delhi? Daniel Smith is the correct answer. Who has been appointed as the fourth deputy governor of Reserve Bank of India? T. Ravi Shankar is the correct answer, and other three deputy governors are Mahesh Kumar Jain, Michael Patra, and M. Rajeshwar Rao. Union government has slashed the integrated GST on imported oxygen concentrators from 28% to 1%, 28% से घटा के GST 12% कर दिया गया है. तेसेरा परेरा अनाउंस हिज रिटायरमेंट ही प्लेस फॉर विच कंट्री, ये आपने बताना था. सो श्रीलंका. सिक्स सिक्सेस भी इन्होंने हिट किए थे. ओके मिनिस्ट्री हमारी ऑर्गेनाइज कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर है. तो सत्यजीत राय जो हमारे एक बॉलीवुड फिल्म मेकर थे, तो इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए लॉन्ग ईयर सेलिब्रेशन ऑब्जर्व कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ओके विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द प्रपोज सेल ऑफ 6 8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया? तो इंडिया इसे लेगा. ये किस कंट्री से लेगा ये एयरक्राफ्ट? यूएसए से. विच इंस्टीट्यूशन हैज कन्वर्टेड द एक्सिस्टिंग नाइट्रोजन प्लांट इनटू एन ऑक्सीजन जनरेटर? सो ये किया है जी IIT बॉम्बे द्वारा. इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 4 मई इज द करेक्ट आंसर. ओके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट विच IIT इंस्टीट्यूशन? IIT मद्रास इज द करेक्ट आंसर. विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज टू एड ए फैक्ट बॉक्स फीचर ऑन यूजर्स टाइमलाइन टू हेल्प प्रमोट द COVID-19 ऑन गोइंग वैक्सीनेशन एफर्ट्स? दिस इज ट्विटर. विच कंट्री हैज लॉन्च मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम? ये क्या करेगा? डिफरेंट डिजीज को एक साथ डिटेक्ट, लाइक HIV, हेपेटाइटिस, इन सबको एक साथ लाइक डिटेक्ट करने की एबिलिटी है एंड काफी जल्दी भी. सो दिस टेक्नोलॉजी, दिस मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड बाय लॉन्च्ड बाय रशिया. हु हैज बीन कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड बाय जापान? सो दिस अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड टू श्यामाला गणेश. ओके बेसिकली शी इज अ टीचर एंड इन्हें सम्मानित किया गया एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ जापानीज कल्चर. हु हैज वॉन पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021? सो ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने. GST रेवेन्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट टच हुआ था 1.41 लाख करोड़ इन विच मंथ? सो अप्रैल मंथ में सबसे ज्यादा GST रेवेन्यू कलेक्ट हुआ. ओके जगमोहन मल्होत्रा पास्ड अवे, ही वाज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर. नुआन जोजा बैन फॉर 6 ईयर्स फॉर ब्रीचिंग ICC एंटी करप्शन कोड, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? बेसिकली कोच है. सो ही बिलोंग्स टू श्रीलंका. ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो गाइज देखो इस पार्ट में हम 40 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी पार्ट्स भी जल्दी आएंगे. बाकी आप PDF का बेनिफिट उठा सकते हो, PDF आपके लिए ऑलरेडी कंपाइल कर दिया गया है, जिसमें अराउंड 300+ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आप आपके ऑलरेडी, अगर आप हमारे चैनल को प्रीवियस फॉलो कर रहे हो तो आपको वो PDF, एंड अदरवाइज नहीं भी कर रहे हो तो PDF में तो सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे. काफ़ी डिज़ाइन किया गया है आपके लिए इस वे में, सो डेट कि आप लोग उसका इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से ले पाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस फॉर यू से क्या रहेगा कि आप रिवाइज भी कर पाएंगे खुद के करंट अफेयर्स. लाइक आज के कर रहे हो मई मंथ के मिलेंगे, प्लस 6 मंथ करंट अफेयर्स का भी रिविजन आपका ऑटोमेटिकली सेम PDF में हो जाएगा. सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर लीजिएगा. बाकी पार्ट्स भी जल्दी आएंगे. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें. थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट पार्ट.